अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में किसान मेला प्रदर्शनी व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गोष्ठी आरंभ से पूर्व उप निदेशक कृषि डॉक्टर संजय त्रिपाठी व जिला कृषि अधिकारी ओपी सिंह ने मुख्य अतिथि को पुष्पा गुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। गोष्ठी में जिले से करीब 1000 किसानों ने भाग लेकर जैविक खेती के बारे में जानकारी हासिल किया। किसानों को सांसद ने कहा कि अयोध्या जिले में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं, जिसका मुख्य कारण रासायनिक पदार्थों द्वारा खेती की जा रही है, जिससे निपटने के लिए हमें अब जैविक पदार्थों व उपकरणों की मदद से किसान बनकर खेती करें। उन्होंने कृषि विभाग को भी निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी वैज्ञानिक गाँवों में जाकर किसान गोष्ठी व पंचायत के माध्यम से छोटे किसानों को भी जैविक खेती का महत्व बताएं और उन्हें जैविक खाद के लिए प्रेरित करें। वहीं उप निदेशक कृषि डॉक्टर संजय ने इसके लिए सरकार व सांसद को संतुष्ट किया कि इस पर विभाग पहले से ही काम कर रहा है, जो वर्तमान में भी जारी रहेगा। इस विषय पर सांसद ने कहा कि अगर विभाग इसकी सारणी बनाकर हमें भेजे तो हम भी किसानों को उक्त गोष्ठी में भेजने का काम कर उन्हें भी लाभ दिला सकें। वहीं किसानों को जैविक खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिक प्रवीण मिश्रा ने कम शब्दों में सभी जानकारी को उनके बीच बांटने का काम किया, जिससे किसानों ने भी सुनकर उस पर अमल भी करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सांसद ने जैविक खेती को लेकर एक लोगो भी जारी किया। गोष्ठी में कृषि विभाग केंद्र मसौदा के कृषि वैज्ञानिक प्रवीण मिश्रा, डॉक्टर विनय चौरसिया, डॉक्टर राम गोपाल, डॉक्टर विंदेश्वरी सहित हजारों परंपरागत किसान उपस्थित रहे। गोष्ठी के बाद किसानों ने मेले से लगे स्टॉलों पर भी जाकर जैविक खेती में उपयोग होने वाले पदार्थों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके आह्वान पर पूरे देश में प्रगतिशील किसानों के माध्यम से परंपरागत खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कृषि विभाग कर रहा। जैविक खेती अधिक से अधिक हो, यह भारत सरकार का प्रयास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस अभियान को अपने प्रदेश में तेजी के साथ लागू कर रहे हैं। अयोध्या जनपद के सारे अधिकारी वैज्ञानिक मिलकर के अयोध्या जनपद जो है जैविक खेती के रूप में पूरे देश में जाना जाए और परंपरागत खेती यहाँ पर हर किसान करे, इसका प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ विचार गोष्ठी हुई थी, प्रगतिशील किसान भी आए थे और बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक भी आए थे, जिन्होंने दोनों लोगों ने अपनी अपनी विचार रखे हैं यहाँ पर। ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो इस जनपद में संचालित है विगत 2 वर्षों से, और इसी कार्यक्रम के तहत जो है ये कार्यक्रम का आयोजन जो है सिमफेड कराई है। सिमफेड जो है सिक्किम की एक एनजीओ है, जो यहाँ पे जो हमारे 15 क्लस्टर हैं, 15 क्लस्टर में लगभग 550 किसान हैं, जिनको परंपरागत कृषि विकास करने के लिए जो भी संसाधन है उन संसाधनों को ये उपलब्ध कराती है, और उपलब्ध कराते हुए इनको जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, दसपर्णी इत्यादि बनाने का काम करती है। तो ये सब सिखा करके, सब बता करके जो है इन किसानों को जागरूक कर रही है, और ये किसान जो भी प्रोड्यूस अपना उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, इनको जो है सर्टिफिकेट इनको मिलता है, ये सर्टिफिकेशन इनका कराती है और सर्टिफिकेशन करा देती है, तो ये उत्पाद जो होगा जब इस पे एक लेबल चस्पा हो जाएगा कि ये जैविक उत्पाद है, तो इनके उत्पाद को जो है मार्केट में अच्छी कीमत मिलेगी और यहाँ के किसानों का जो रहन सहन का स्तर है उसमें गुणवत्ता पूर्वक सुधार भी होगा।